अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शादी खान आपके सामने मौजूद हूँ। दोस्तों आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ यहाँ पर। और आपको तो पता ही है कि आज कल पाकिस्तान में जो है, पूरी दुनिया में जो है रोज़े रखे जा रहे हैं, और पाकिस्तान में भी, और मैं भी आज मेरा भी रोज़ा है। मैं उसी हवाले से एक जो है वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ अदनान की और कवाली है अदनान की। देखते हैं, सुनते हैं और कैसी उन्होंने गाई है। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है भरद जोली मेरी या मोहम्मद अदनान एट लिली चैम्पियन, यानी कि अदनान साबरी नाम है इनका पूरा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। अभी मैं कवाली गा रहा हूँ आपके सामने। और कौन सी वाली? भरद जोली। आउटस्टैंडिंग। तो हमारे लिटिल चैंप्स का कव्वाल आया है, नाम अदनान हुसैन साबरी। वाह वाह। तो पहले कभी गाया है आपने? हाँ, मेरे स्टेज शोज होते रहते कव्वाली के। कव्वाली के मतलब आज तो एकदम रौनक लगने वाली है। कितने घंटे गाते हो आप स्टेज शो जब आप करते हो? मैं जैसे रात में 8 बजे बैठता हूँ गाने, तो फिर मैं सुबह 4 बजे तक कंटिन्यू गाता हूँ। 8 घंटा? यस। बाप रे। मेरे प्यारे अदनान, डाल देना इस कव्वाली में जान। आए हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शहे मदीना सुनो मेरी इल्तजा खुदा के लिए, क्या बात है। हुजूर हुल जाए उम्मीद अब तो खिल जाए, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तुम्हारे आसमान से जाना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली है। अदनान, दिल कर रहा है कि ना आप पूरी रात गाते जाएं और हम सुनते जाएं आप। जी दोस्तों, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो और कितनी प्यारी आवाज़ अदनान की है। अदनान ने भी अदनान हुसैन साबरी नाम रखा है, क्योंकि कव्वाल जो थे, जो ओरिजिनल जिन्होंने गाई, उनका साबरी बिरादरन मकबूल ग़ुलाम फरीद साबरी और मकबूल साबरी साहब,
तो जिन्होंने ये ओरिजिनल जो है गाई थी, और उसके बाद जो है काफ़ी सारे लोगों ने गाई। फिर सबसे बड़ी बात ये कि अमजद साबरी जो उनके साहबजादे थे, उन्होंने भी इस कवाली को गाया, भरते जोली में रिया मोहम्मद। तो अदनान ने जो गाया वो बहुत ज़बरदस्त, और कितनी प्यारी आवाज़ बच्चे की। और आप ये देखें कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि वो रात को 8 बजे बैठते हैं पढ़ने के लिए, माना अपनी तैयारी के लिए, और फिर सुबह के 4 बज जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये आवाज़, वो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। और इंडियन आइडियल में भी इन्होंने जब रिप्रेजेंट किया, तो आप ये देखें कि उन्होंने कहा कि आप, हमारा दिल चाह रहा है कि आप गाते चले जाएँ, हम पूरी रात सुनते चले जाएँ। तो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो दिलों में छूते हैं, और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो दिलों को छू जाती हैं। तो आप ये देखें कि इस कवाली में आवाज़ के साथ साथ जो अल्फाज हैं वो भी जो है दिलों को छूते हैं। तो आप ये देखें कि कितनी ज़बरदस्त ये आवाज़, और कितने एफर्ट्स के साथ जो इन्होंने ये गाया, और बड़े पुरमुतमईन अंदाज में जो है बच्चे ने ये गाया, और पूरी दुनिया में जो है इनकी आवाज़ जो है सुनाई दी गई, और इंडियन आइडियल में भी काफ़ी अच्छा इन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो दोस्तों रमज़ान की मुनासबत से मैंने ये सोचा कि मैं इस कवाली को जो है आप तक, आप लोगों को भी सुनाऊं, और मैं ख़ुद भी जो है सुनकर जो है बड़ा लुत्फानंदोज़ हुआ। अक्सर लोगों के घरों में जो ये कवाली गाई जाती है, यहाँ पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में, साबरी बिरादरान को जो है लाइक करते हैं लोग, चाहते हैं उनको। अभी आज भी वो दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनकी आवाज़ें जो है हर घर में जो है सुनाई देती हैं। तो सबसे बड़ी बात एक और मैं बताना चाहूँगा कि अमजद साबरी साहब जो इनके साहबजादे थे, उन्होंने बड़ा नाम कमाया, अपने वालिद का बड़ा नाम रोशन किया, और कवाली की दुनिया में जो है अपना एक नाम को जो है मनवाया, और पूरी दुनिया में जो है उन्होंने जो है रिप्रेजेंट किया जाकर। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान में जो है उनको बड़ी इज्जत से नवाजा गया, और फिर इत्तेफाक़ ऐसा कि उनका जो है मर्डर हो गया, शहीद हो गए 27वीं शब को जो है, 27वीं रमज़ान को उनका जो है मर्डर हो गया था। और बड़ा लोग जो है उनको याद करते हैं, अभी भी टीवी चैनल पर जो है उनकी कवालियाँ जो है सुनाई देती हैं, और सब लोग जो है अखबार होते हैं 27वीं रोज़े को कि भाई अमजद साबरी साहब होते थे, तो पूरी रात ट्रांसमिशन चलती थी एक चैनल पर, जो है वो पूरी रात बैठते थे और कवालियों का जो वो सेशन था वो चलता रहता था, और किसी से कोई उनकी कोई वो नहीं थी, और बड़ी हंसमुख और बड़े प्यार वाले आदमी थे। बस दुनिया में नहीं रहे, हम उनके लिए दुआएं कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, चलते चलते मेरे वही अल्फाज अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, खासतौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, बहन भाइयों से प्यार करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुँचती रहें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।